वेबसाइट पे जो भी दी हुई है, तो बेफिक्र रहे। अगर आपके सपोज करो दो तीन पार्सल्स हैं या क्वांटिटी में आपने ऑर्डर किया है, तो हो सकता है कि पार्सल जो है एक पार्सल दो पार्सल तीन पार्सल अलग अलग पैकिंग होकर के आपके पास पहुंचे। तो आप ये बिल्कुल भी पैनिक ना हो कि मेरे पास, मैंने बहुत सारा ऑर्डर किया था, मेरे पास एक ही आया है, दूसरा नहीं आया है, तो वो भी आएगा क्योंकि अंदर में वो आप। हेलो दोस्तों, मैं नदीम रज़ा, वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे, और यही दुआ है हमारी कि आप लोग अच्छे से रहें, बिल्कुल सेफ रहें, सेफ्टी से रहें, और इस जो पैंडमिक में जो अभी चल रही है कोरोना की, तो आप लोग अच्छे से सेफ्टी से रहें। और आज जो है अलविदा जुमा थी, तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से जो है बाखूबी सारे मस्जिदों में दुआएं हुई हैं सभी लोगों के लिए, माशाल्लाह, सारे उम्मत के लिए, सारे जितने भी हमारे हिंदुस्तान में लोग हैं सभी के लिए दुआएं हुई हैं कि यार ये वबा जो है, बीमारियां जो हैं आई हुई है, सबको शिफा अता फरमाए अल्लाह ताला, और तमाम उम्मत पे जो है अपनी रहम करम की बारिश नाजिल अता फरमाए। सभी के लिए हर मस्जिदों में जो है दुआ हुई हैं ये अलविदा जुमा को। आज जो है जुमा थी, अलविदा जुमा थी आज, तो सभी लोग जो है, सभी के आँखों में अश्क भी थे, और हमारे जो मौलाना साहब हैं वो भी अश्क में थे, और माशाल्लाह वो भी बहुत काफ़ी दुआ कर रहे थे सभी के लिए कि ये जो है वबा और जो बलाएं चल रही हैं, जिसके वजह से काफ़ी जो लोग हैं जो थोड़े कमज़ोर हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, जो छोटे कारोबार से जो बिलोंग्स करते हैं, जैसे उनकी छोटी शॉप है, बाहर में कुछ सेल करते हैं, तो सब कुछ बंद होने की वजह से जो है उनका भी कारोबार बंद हो गया। जो थोड़े से बड़े हैं जैसे मार्केट में हैं, तो वो लोग तो थोड़ा बहुत गुजारा कर लेंगे, लेकिन जो छोटे हैं, जो थोड़े गरीब, थोड़ा ज़्यादा गरीब हैं, तो वो लोग के लिए जो है ख़ास करके दुआएं हुई हैं कि मौला जो है इस बीमारी को दूर दफा अता फरमाए, और जल्द से जल्द जो है ये कोरोना की जो है वबा से सब हिफाजत अता फरमा दें अल्लाह ताला, और सब कुछ नॉर्मल हो जाए ताकि लॉकडाउन खुल जाए, नॉर्मल हो जाए, और ताकि सारे दुकान जितने भी जो छोटे मोटे जो कारोबार करने वाले हैं, जैसे मजदूरी करते हैं, जो डेली मजदूरी बेसिस पे काम करते हैं लोग, ख़ास करके उन लोगों की, उनको, उनके लिए जो है दुआएं भी हुई हैं, और आप लोग भी मदद करें उनकी, सभी की मदद करनी चाहिए दोस्तों। जैसे कि मैंने कल की वीडियो मैंने बनाया था, और लोगों ने काफ़ी पसंद किया उसको, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने जो कही है बातें उसमें कुछ बहुत लोगों के दिल में जो है वो बातें जो हैं लगी हैं उनको, कि मैंने कुछ अच्छा कहा है, बहुत मुझे खुशी हुई दोस्तों। आप बिलीव करो, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं एक प्रोडक्ट की वीडियो बना करके जितना खुश नहीं हुआ था, मैंने कल वो वीडियो बना करके मैंने जो रिस्पॉन्स देखा लोगों की, और मेरे दिल से जो निकली थी वो आप लोगों तक पहुँचाई थी मुझे, कि बस आप भी आस पास के लोगों को मदद करें, और आप खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें, ताकि जो ऐसे जो माहौल अभी आए हुए हैं, खास करके जो नीचे जो ग्राउंड से जो लोग हैं, जैसे कि जो डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं, खास करके उनके लिए मैं बोलना ये चाहता हूं दोस्तों। मैं अभी कार में हूं, माशाल्लाह सरकार दो आलम की कवालियाँ बज रही हैं कि अश्कों की ये गुजारिश है, क्या बोलूँ, अश्कें अश्कें मौला, बस ये दुआ में अल्लाह हमारे दुआ को कबूल अता फरमा ले। अशकों की गुजारिश है सरकार मदीना, ये कवाली हमारे जो है चल रही है हमारे कार में, माशाल्लाह। मैं थोड़ा बाहर के लिए आया था मगरिब के बाद, तो मैं सोचा कि चलो दूसरी में वीडियो एक बार बनाता हूँ आप लोगों के लिए। बस जो छोटे जो बेचारे डेली बेसिस पे जो काम करने वाले, बस मेरा यही कहना है उन भाइयों से जो डेली बेसिस पे काम करने वाले, उनके काम बंद हो गए हैं या वो लाचार हो गए हैं बेचारे, वो घर भी जा सकते कि नहीं जा सकते पता नहीं। अभी तो माहौल ऐसा है लॉकडाउन का कि एटलीस्ट गाड़ियां चल रही हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं आप, बट आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी, बट काम तो करना पड़ेगा डेली। अगर आपको काम करना है तो डेली, वो लोग खाते हैं डेली, कमाते हैं डेली, खाते हैं, लेकिन काम अगर बंद हो गया उनका, तो कोशिश करें आप लोग जो है आसपास के लोगों को देखें ऐसे लोगों को, और प्लीज़ मदद करें, और कोशिश करें जितना जितना हो सके, और
अल्लाह अल्लाह की जो बंदगी होती है वो बस चुपके से होती है, छुपा के होती है। मेरा बस यही कहना है दोस्तों, बस वही आप लोग करें और हम भी करते हैं और हम भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। जितनी हो सकेगी आप लोग भी करें और सबके लिए करें, सब उम्मत के लिए दुआ करें। बस यही मेरा कहना था दोस्तों आप लोगों से। और दोस्तों ये भी मुझे कहना था आप लोगों से कि ऑनलाइन की जो ऑर्डरें जो भी आ रही हैं, आप बेफिक्र रहें, सारे के सारे जो हमारी टीम्स हैं पूरा मॉनिटरिंग कर रही है, अच्छे से पैकिंग भी हो रही है वन बाय वन करके, और पार्सल्स भी जा रही हैं। तो आप बिल्कुल भी 1% की भी शक ना रखें कि पार्सल आने में मुझे देर होगी या नहीं होगी। अगर हो सकता है आपके सिटी में कुछ अगर लॉकडाउन के कुछ सिस्टम कानून या चेंजेस हो गए होंगे या फिर एकदम फुली तरीके से लॉकडाउन होगी, तो मे भी हो सकता है कि आपके पार्सल्स जो है पहुंचने में थोड़ी देरी हो सकती है। बट आप बेफिक्र रहें, पार्सल्स जो है सेफ हैं, क्योंकि हम जिस पार्टनर से काम करते हैं, जो भी हमारे कुरियर पार्टनर्स हैं, तो वो जो हैं सेफ हैं। कोई भी हो, कोई भी कंपनी के जिससे हम डीलिंग करते हैं, हमारे वेबसाइट पे जो भी दी हुई है, तो बेफिक्र रहें। अगर आपके सपोज करो 2-3 पार्सल्स हैं या क्वान्टिटी में आपने ऑर्डर किया है, तो हो सकता है कि पार्सल जो है 1 पार्सल 2 पार्सल 3 पार्सल अलग अलग पैकिंग होकर के आपके पास पहुंचे। तो आप ये बिल्कुल भी पैनिक ना हो कि मेरे पास, मैंने बहुत सारा ऑर्डर किया था, मेरे पास एक ही आया है, दूसरा नहीं आया है, तो वो भी आएगा। क्योंकि अंदर में वो आप सिस्टम में आप जाएंगे, लॉगिंग जब करेंगे, जब लॉगिंग जैसे ही आप करते हैं, तो आप जो है देख पाएंगे, आप क्या देख पाएंगे, क्योंकि आपका जो ऑर्डर है आईडी है, और ऑर्डर आईडी के नीचे देखेंगे ट्रैकिंग नंबर है, सारे डिटेल्स होंगे, सब कुछ होंगे। तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना कि मैंने ऑर्डर 2-3 किया था। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि मैंने कई सारे वीडियो में मैंने बनाया है और मैंने कहा भी है बाखूबी कि जो है कभी कभी क्या होता है कि 2-3 मॉडल आपने ऑर्डर किया और कुछ वो बॉक्स में आते हैं, जैसे सपोज कर पावर सप्लाई है, SMDs हैं, तो वो जो है बॉक्सेस में आते हैं, और फिर अपने छोटी छोटी सामान कुछ ऑर्डर्स की, तो वो उसके अंदर हम लोग डाल नहीं सकते क्योंकि स्पेस नहीं होती है। तो क्या करते हैं हम लोग, उसको अलग पार्सल्स बनाते हैं। तो आपने एक ऑर्डर किए लेकिन आपको पार्सल 2 मिलेगी या 3 मिल सकती है, जैसे 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 जो भी आइटम के आइटम वाइज, क्योंकि हम लोग एक पार्सल्स में बड़ा करके नहीं बनाते हैं कि ताकि उसमें टूटने फूटने का भी रिस्क होता है, और कुरियर वाले कभी कभी कोई कोई एरिया में फेंक भी देते हैं, तो हम लोग तो सेफ्टी से भेजते हैं, बट वो लोग थोड़ा सा कुछ केयरलेस की वजह से, जिसकी वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम कभी कभी फेस करनी पड़ जाती है। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि ऑर्डर से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, क्योंकि अभी जो है मॉर्निंग में शॉप जो खुल रही है हमारी 7 से 10, और शाम को जो खुल रही है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक खुल रही है, तो वो अफ्तार का भी वक्त हो जा रहा है, और फिर सुबह में जो है मॉर्निंग में कुछ लड़के हमारे आ जाते हैं मॉर्निंग में, तो वो भी हो रही है। प्लस OCA मशीन डिपार्टमेंट भी हमारा खुला हुआ है, कस्टमर केयर सर्विस भी हमारा जो है 11 बजे से लेकर के शाम 4 से मैक्सिमम 5 बजे तक तो खुली ही है। आप कभी भी टोल फ्री नंबर में यूज़ कर सकते हो। और रही सवाल आपके पार्सल्स की, तो सारे पार्सल सेफ हैं हमारे पास, बिल्कुल भी सेफ हैं, सुरक्षित हैं। यही मुझे कहना था आप लोगों से दोस्तों कि आप लोग बेफिक्र रहें, अगर G2Mark से आप जुड़े हैं और हमसे जुड़े हैं, मैं नदीम रजा, प्रोप्राइटर ऑफ G2Mark रजा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं ऑनेस्टली मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ भी एक भी प्रॉब्लम, सिंगल प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको यार। या आप न्यू कस्टमर हो हमारे, या पहली बार परचेस करने जा रहे हो, या फिर हमारे पुराने कस्टमर्स हो, तो भी आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर हो भी जाती है तो बेफिक्र रहें, कुछ भी हो, नंबर्स प्रोवाइड की गई है आप लोगों को, उस नंबर में कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें, वो लोग वहाँ से चेक करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बेझिझक जो है आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते रहें, क्योंकि अभी इम्पोर्ट नहीं हो रही है, पूरा इम्पोर्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो जो पुरानी स्टॉक हमारे पास है बस वही हम लोग अभी सेल कर रहे हैं, और हो सकता है कि प्राइसिंग बढ़ भी सकती है, ये मैं श्योर नहीं बोल सकता, क्योंकि इम्पोर्ट अगर नहीं होगी और क्वांटिटी डिमांड्स ज़्यादा जब होने लगती है प्रोडक्ट की, तो आप जानते हैं कि प्राइस जो है बढ़ जाती है, और वहाँ चाइनीज लोग भी बढ़ा देते हैं, तो फिर मजबूरी में हम लोग भी बढ़ाना पड़ता है। तभी तो जैसा है फिलहाल, बहुत काफ़ी सारे स्टॉक्स हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक्स हैं, OCA मशीन्स में भी और टूल्स में भी, तो रेगुलर जो प्राइसिंग है हम लोग डे बाय डे जो है वेबसाइट पे अपडेट्स कर रहे हैं, और भी एवरीडे डे बाय डे हमारा जो छोटा भाई है सकलाइन, वो कर रहा है जितना बेचारा कर पड़ता है, वो छोटा भाई मेरा करता है, और बाकी के जो है मेरे स्टाफ जो है सारे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पैकिंग से लेकर सारा चीज़ तक की आप लोगों की सहूलत के हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। और OCA मशीन्स डिपार्टमेंट में OCA मशीन्स के भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास, तो वो भी कुरियर हो रहे हैं, तो बेफिक्र रहें, जिनके जिनके भाई की ऑर्डर्स हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं इंश्योरिटी लेता हूँ G2Mark टीम
कि आपका सामान ऑर्डर करने से लेकर पहुंचने तक की सारी सिक्योरिटी जो है हमारी होती है, जिम्मेदारी होती है, और आपको सामान भी सही सलामत पहुंचेगी। और कुछ भी बाई चांस कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें बेबिजक कॉल करें और हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करें। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीज डाल देता हूँ और टेलीग्राम के ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।